मंसूर में नाकोड़ा नगर में मनशापूर्ण बालाजी मंदिर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया भी पहुंचे और भंडारे में हजारों की संख्या में श्रद्धालुगण भी उपस्थित रहे। समिति के सदस्यों द्वारा भंडारे में आने वाले श्रद्धालुओं को तिलक लगाकर भगवान की प्रसादी ग्रहण करवाई। समिति के सदस्यों ने बताया कि श्री मनशापूर्ण बालाजी मंदिर नाकोड़ा नगर में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी हमने इस महाप्रसादी वितरण का आयोजन हीरा की बगीचा में किया है। यह पांचवा भंडारा है और महाआरती में हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, खाटू श्याम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रधान प्रातःकालीन आरती, मंडल के अध्यक्ष दिलीप शर्मा, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मदनलाल राठौर, पत्रकार नरेंद्र अग्रवाल सभी आरती कर प्रसाद ग्रहण की। हमने बालाजी से प्रार्थना की है कि मंदसौर में खुशहाली रहे, कोई भी बीमारी महामारी के रूप में ना फैले और सभी धन्य धान्य से परिपूर्ण हो। मनशापूर्ण बालाजी का भंडारा हो रहा है, उसमें बहुत सारी पब्लिक आ रही है और हम लोग तिलक लगा के उनका सम्मान कर रहे हैं और भोजन का ये कर रहे हैं। श्री मनशापूर्ण बालाजी मंदिर नाकोड़ा नगर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी हमने इस महाप्रसादी का आयोजन हीरा की बगीचे में किया है। विगत ये पांचवा भंडारा और महाप्रसादी है और आज की महाआरती में हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई यशपाल जी, खाटू श्याम मंदिर के अध्यक्ष श्री प्रधान जी, प्रातःकालीन आरती मंडल के अध्यक्ष भाई दिलीप शर्मा, मदन लाल जी राठौड़, पत्रकार नरेंद्र जी अग्रवाल, दशरथ भाई जी भागवत के मर्मज्ञ विद्वान दशरथ भाई जी भी पधारे, आरती में सम्मिलित हुए, सबने प्रसादी ग्रहण करी है और नाकोड़ा नगर से लगती हुई 20-25 कॉलोनियों के जो भी रहवासी मातृशक्ति है सभी यहाँ पर आते हैं और श्रद्धा और भाव से प्रसादी ग्रहण करते हैं। हमने बालाजी मंदिर में भगवान से प्रार्थना की कि मंदसौर शहर में खुशहाली रहे, कोई भी बीमारी महामारी के रूप में ना फैले और बालाजी आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि सब धन्य धान्य से परिपूर्ण हो। मैं इस अवसर पर मंदिर समिति की ओर से मंदसौर शहर की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप यहाँ पर पधारे, सबको मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। मंदसौर से पीडी बैरागी की रिपोर्ट।